इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसे अगर आप रोजाना इस्तेमाल करेंगे या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो पूरी जिंदगी में आपको कभी भी फिजिकल, सेक्सुअल या मेंटल वीकनेस फील नहीं होगी और साथ ही ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर देगा। इम्यून वो सिस्टम होता है जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता है, तो जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो आपको बीमारियां भी कम से कम होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अखरोट खाना हर किसी को पसंद होता है। कई सारे विटामिन्स होने के कारण इसको विटामिन्स का राजा भी कहा जाता है। अखरोट में प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बालों और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर को अस्थमा, अर्थराइट्स, स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी बीमारी से बचाता है। किशमिश में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर काफी क्वांटिटी में होता है। किशमिश में विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और सेलेनियम भी होता है जो कमजोर लिवर, गुप्त रोगों और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। वहीं इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। किशमिश में आयरन कंटेंट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी खूब होता है। इस तरह से ये एनीमिया दूर करने में भी काफी कारगर होता है। काजू ड्राई फ्रूट्स में सबसे टेस्टी माना जाता है, लेकिन ये सेहत के लिए भी उतना ही फायदेमंद होता है। प्रोटीन, खनिज, आयरन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और विटामिन से भरपूर काजू सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियों को दूर करने में मददगार होता है। बादाम में ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई, कैल्शियम और फास्फोरस। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत और मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही दिमाग को तेज करने के लिए ये काफी फायदेमंद होता है। दूध में पोषक तत्व इतने हैं कि दुनिया भर के लोग इसे आहार का मेन हिस्सा मानते हैं। दूध में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इनके साथ ही कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और राइबोफ्लेविन भी अवेलेबल रहते हैं। दूध कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स है जो कि आपकी हड्डियों को काफी मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 5 चीजें हो गई हैं, अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम और दूध। अब हम बात करते हैं कि आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमें 3 से 4 बादाम लेने हैं, साथ ही हमें यहाँ पर 10 किशमिश लेने हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं वरना इससे नुकसान भी हो सकता है, तो आप बादाम 3 से 4 लीजिए और किशमिश आप 8 से 10 लीजिए। इसके बाद आपको इसको शाम में पानी में भिगो करके रख देना है। पूरी रात पानी में भीगने के बाद बादाम और किशमिश कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। यहाँ पर आप इस पानी को पी लेंगे और इसमें से बादाम और किशमिश को एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसके बाद आपको एक गिलास दूध लेना है और यहाँ पर बादाम के छिलके उतारने हैं। जब आप इनको रात भर पानी में भिगो कर रखेंगे तो इनके छिलके यहाँ आसानी के साथ उतर जाएंगे। यहाँ इस तरीके से आपको बादाम के छिलके उतार लेने हैं और बादाम को यहाँ दूध में डाल देना है। यहाँ छिले हुए बादाम और किशमिश को हम दूध में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 से 5 काजू लेने हैं और यहाँ दूध में डाल देने हैं। अब आपको एक अखरोट लेना है और इसको तोड़ लेना है। इस तरीके से इसको तोड़कर इसको भी दूध में डाल देंगे। इसके बाद इस दूध को आपको पकाना है लगभग 5 से 10 मिनट। लगभग 5 मिनट पकाना काफी होता है। 5 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये आपको रोजाना मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है और अगर आप रोजाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन मुझे इसमें रोजाना 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।